फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। इस चर्चा के दौरान हम देखेंगे कि हमारी परिस्थितियाँ किस तरह से आज हमारे इर्द गिर्द हैं। एक आत्मावलोकन भी कह सकते हैं, इसे पुनरावलोकन भी कह सकते हैं, इसे एक तरह का फैक्ट चेक भी कह सकते हैं, या आज के लिए हमारे लिए, हम भविष्य के लिए, तत्काल के लिए एक एजेंडा के रूप में भी ले सकते हैं। आज हम अपने उन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से ध्यान में रखते हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन 12 बिंदुओं पर आपसे मैं आज चर्चा करूँगा। बट इससे पहले कि मैं आगे चर्चा करूँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन करूँगा कि यदि आपने अब तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, आलोक कुमार इंडिया इस चैनल का नाम है, तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक लोगों को इसके हमारी चर्चाओं के बारे में जानने का फ़ायदा या इसका लाभ मिल सके या इसे वो लाभ उठा सके। इन 12 बिंदुओं पे अगर हम चर्चा करें जिससे कि आज हमें आत्मावलोकन या पुनरावलोकन जिसे कह सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाले जेनरेशन के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे सकते हैं, ऐसी 12 चीज़ों पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। नंबर वन जिसे मैं बात करना चाहूँ, आज भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से ऐसी एक मकड़ जाल में कहें या एक पास में कहें, एक ऐसे तरीके से चोक हो चुकी है फुल्ली और कम्प्लीटली, जिस तरीके से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 31 मार्च 2020 की परिस्थितियों को अगर हम ध्यान रखें तो फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली, टेक्निकली हर एक दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था एक मकड़ जाल में उलझ चुकी है जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं निकल रहा, नहीं दिख रहा है। जीवन चलने का नाम है लेकिन आज लगता है भारत में या पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि जीवन रुकने का नाम हो गया है। अगर आपको ध्यान हो तो ऐतरेय उपनिषद में ये कहा गया है, जो हमारे उपनिषदों की एक अपनी महत्ता है, तो उसमें से एक ऐतरेय उपनिषद कहता है चरैवेति चरैवेति। इसका मतलब यह है कि परिस्थिति स्थिति जैसी भी हो, जीवन, मनुष्य जीवन का काम है चलना और चलते रहना, कभी नहीं रुकना। रुकने का नाम लाइफ नहीं है, लाइफ इज फॉर मूविंग एंड कीप मूविंग ऑलवेज। नंबर दो, अगर दूसरी बात करूं मैं तो कंबाइंड अगर आप डेमोनिक स्ट्रेंथ देखें, डेमोनेटाइजेशन और जीएसटी के का पहले, इससे पहले और तत्काल प्रभाव में अगर हम कोरोना को देखें तो आज विश्व की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों एक ऐसे जाइजेंटिक हिट या एक ऐसे चोट को बर्दाश्त कर रही है जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल समझ में आ रहा है और ऐसी कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही कि जिससे ये कैसे बाहर निकल सके तत्काल प्रभाव से। तीसरे बिंदु पर अगर हम बात करें, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से 7 अक्टूबर 2019 के माध्यम से लगातार अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिखता रहा हूँ कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 31 मार्च 2020 तक पूरी तरीके से चोक हो जाएगी, ऐसी स्थिति में पहुँच जाएगी जहाँ से इसे निकलना मुश्किल होगा। और आज यह बिल्कुल ही सत्य प्रतीत हो गया, सत्य मतलब कह सकते हैं कि इट हैज़ बिकम ए रियलिटी। और वर्तमान समय में अगर हम अपनी सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन को देखें अपने देश में क्या है, तो आपको, हमें ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऐसा प्रतीत नहीं होता या आता नहीं है, ना अपनी सरकार की तरफ से, ना अपने देश के अन्य संसाधनों या साधनों की ओर से, जिससे ऐसा महसूस हो सके कि हम लोग इस ट्रबलसम सिनारियों से बाहर निकलने के लिए तत्पर हैं या तैयार हैं या इसमें हम सफल हो सकते हैं। चौथी बात अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन की जब घोषणा की गई 23 मार्च 2020 को, तो उस समय अगर आप ध्यान रखें तो कोरोना उस समय पूरे देश में लगभग 736 जिलों में से केवल 70 जिलों में ही यह फैला हुआ था, उसमें भी एक दो केसेस थे, कुल 562 केसेस थे। मुझे लगता है कि पूर्णतया लॉकडाउन करने की बजाय, कंप्लीट लॉकडाउन उस समय करने की बजाय, यदि इसी को पार्शियल लॉकडाउन किया गया होता, उन 70 जिलों में अगर किया गया होता और बाकी जिलों में कुछ पार्शियल किया गया होता और अन्य गतिविधियों को चालू रखा गया होता, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत आज नहीं होती। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि जिसे पूर्ण विराम दे दिया गया, हर 10 साल में होने वाला सेंसस, जिसका नाम इस बार एनपीआर था, उसे भी रोक दिया गया, जो कि एक मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है जिसे भारत सरकार को लेना पड़ा या भारत सरकार ने लिया। अगर हम चौथे, पांचवें बिंदु की ओर अगर हम आए तो आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी से जो ऑलरेडी चोक हो चुकी थी और किसी न किसी रूप में इसे लॉकडाउन में आना ही था, टेक्निकली भी, फाइनेंशियली भी और प्रैक्टिकली भी, कोरोना ने, चाहे हो या ना हो, कोरोना होता या नहीं भी होता तो भी इसे लॉकडाउन फेस ही करना पड़ता, एक जाल में इसको उलझना ही पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कोरोना के कारण लॉकडाउन की घोषणा करके शायद अपने लिए एक फेस सेवर तलाशने की कोशिश की है कि इसके माध्यम से वो सारा
सारा ब्लेम जो है या सारी निंदा जो है या सारा जो दोष है वो कोरोना के ऊपर कंधे पर रख सकते हैं या कोरोना के माथे रख सकते हैं। अगर हम आगे छठवीं की बात करें, आप अगर देखिए आज हमारा देश ऐसा महसूस होता है कि ये एक बिटवीन डेविल और डीप सी के बीच में है, आगे कुआं पीछे खाई महसूस होती है। और ये केवल कोरोना की वजह से नहीं है, कोरोना तो आज पैदा हुआ लेकिन इससे पहले भी लगभग 2-2.5 सालों से अपनी अर्थव्यवस्था इस तरह से चल रही थी कि हम लोग खाई और कुएं दोनों के बीच में विद्यमान थे या अपने आप को महसूस कर रहे थे। और आज कोरोना के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि बैलेंस लाइफ्स और लाइवलीहुड्स, अगर हम लॉकडाउन नहीं करें और लॉकडाउन अगर छोड़ दें और लॉकडाउन करके जाएं, तो दोनों परिस्थितियों में ऐसी व्यवस्था हो रही है या ऐसी एक स्थिति पैदा हो रही है, परिस्थिति पैदा हो रही है जिसमें कि एक बैलेंस को बनाए रखना लाइफ्स के लिए भी और लाइवलीहुड्स के लिए भी बहुत ही मुश्किल का काम है, चाहे जिसके लिए भी, व्यक्तिगत हो, जनता हो, आम जनता हो, कॉरपोरेट्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, जिसके लिए भी। अगले मुद्दे पर अगर हम बात करें, सातवें मुद्दे की अगर हम बात करें, तो आप अगर देखें तो हमारे देश में ऐसा महसूस होता है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सॉरी पॉलिटिकल सिस्टम हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो या जुडिशियल सिस्टम हो, ऐसा लगता है जैसे ये इनकी सिस्टम्स और इनकी फंक्शनिंग आज आउटडेटेड हो गई है। ये हमारा देश जिन समस्याओं से दो चार हो रहा है, जिनसे गुजर रहा है, उनसे उनका उनका समाधान करने की क्षमता या इसमें वो चीज़ें नहीं रह गई हैं कि जिससे वो समाधान को खोज सकें, चाहे जिस कारण से भी हो। और मुझे लगता है कि न केवल हमारे प्रधानमंत्री बल्कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी ये आउटडेटेड स्वयं को महसूस कर रहे हैं, एक अपने आप को आउट ऑफ द प्लेस महसूस कर रहे हैं, वो इन परिस्थितियों और इन समस्याओं का समाधान ढूंढने में स्वयं को असफल महसूस कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक के बाद एक समस्याएं जो हैं भारत के सामने मुंह बाए शूरसा की तरह फैलती जा रही हैं, जिनका समाधान तत्काल न तो दिख रहा है न हो रहा है, और अगर नहीं हुआ तो आगे और भी बुरे दिन दिखने पड़ेंगे हम लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें आठवें पॉइंट की, तो कुछ भी कोरोना वायरस के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई भी चीज लागू नहीं हो पा रही है, कोई भी उपाय लागू नहीं हो रहे हैं। जितना भी लागू किए जा रहे हैं समस्या उतनी ही बढ़ती जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी, ये दोनों समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था तो पहले से ही डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और अन्य चीज़ों की वजह से त्रस्त थी, ग्रस्त थी, और अब कोरोना ने इसे और भी ग्रस्त कर दिया। और कोरोना स्वयं में ही एक ऐसे सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न कर रही है जिससे कि ये एक अपने आप में ही बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन, ट्रबलसम सिचुएशन की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और जितने भी नए नए आइडियाज़ अप्लाई किए जा रहे हैं, वो आइडियाज़ इनका इनका इनकी इनकी तीव्रता को, इनकी इंटेंसिटी को, इनकी निगेटिव इफेक्ट्स को कम करने की बजाय ऐसा लगता है कि ये और बुरे से बुरे की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। और एक और ऐसी आशंका है कि अभी चालू वित्तीय वर्ष में 2020-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक तिहाई रूप से सिकुड़ सकती है, और जो अर्थव्यवस्था हमारी पौने 3 ट्रिलियन डॉलर की है, 2.75 ट्रिलियन डॉलर की है, वो शायद होकर के 2 ट्रिलियन डॉलर पे आ जाए, जिसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब 200 लाख करोड़ रुपए से घट करके ये 160-170 लाख करोड़ रुपए पे जा सकती है। अगर हम नौवीं पॉइंट की बात करें, तो आप अगर देखें पिछले कुछ समय से एक ऐसी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि दलित हो, गरीब हो, मुसलमान हो, इन सब लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे नए नए तरीके से इन लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अगर सब्जी धोते हैं, फल धोते हैं या थूकते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये हर समाज में घटित होने वाली हर बुरी चीज़ों के ये प्रतिपादक हैं, ये उत्पन्न करते हैं, ये पैदा करते हैं, चाहे वो कोरोना हो या कोरोना से हटके कुछ और भी समस्याएं हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की समस्या हो, चाहे वो जनसंख्या की समस्या हो, चाहे जिस किसी भी चीज़ की समस्या हो, कहीं ना कहीं से दलित को, गरीबों को और मुसलमानों को उनसे जोड़ने की कोशिश की जाती है। ये एक वर्ग विशेष और एक राजनीतिक वर्ग विशेष और धर्म की ओर से ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन्हीं लोगों को ये नहीं दिखता कि पिछले 50-60-70 वर्षों से देश के सरकारी विभाग भी हैं और उद्योगपति भी हैं, व्यापारी भी हैं, बड़े बड़े घराने भी, जो उद्योग घराने हैं, उनकी फैक्ट्रियों और उनकी इंडस्ट्रीज की वजह से हमारी नदियाँ, हमारी जल, हमारे वायु, हमारा वातावरण, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि हमारा रहना 24 घंटे रहना मुश्किल बमुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इस पर किसी की कोई ध्यान इसका किसी को कोई ध्यान नहीं है, कोई इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। कहीं भी अगर गरीब हो, जो गरीब हो तबका, या जो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, सबकी नज़र उस पर रहती है, और जो बलि का बकरा बनाने का मौका लगता है तो कहीं ना कहीं से इन दलितों को, गरीबों को और मुसलमानों को ढूंढकर उनको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जाती है। अब हम अगर बात करें दसवें पॉइंट की, तो आप देखें हमारे प्रधानमंत्री पिछले 6-7 वर्षों से ऐसा कोशिश करते हैं जैसे लगता है कि वो देश के लिए अपरिहार्य हैं, इंडिस्पेंसिबल हैं, मतलब वो सोचते हैं कि देश उनके कारण है, वो देश के कारण नहीं है। और ऐसा सोचने का
कारण केवल वही उसका जवाब या प्रत्युत्तर दे सकते हैं, हम लोग केवल ढूंढ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो ना तो हरक्यूलस हैं, हरक्यूलस का नाम आपने सुना होगा, जो सोचता था कि पूरी पृथ्वी का बोझ मैं उठा रहा हूँ, ना तो वो बैग पाइपर मैन है। आपने भी जाना होगा कि इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में एक बैग पाइपर मैन हुआ था, जिसने कोई एक शहर था, नाम मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो शहर चूहों से बहुत त्रस्त था, परेशान था। तो बैग पाइपर मैन आया, उसने अपनी बंसी से, अपनी बीन से बजा करके, अपने म्यूजिक से, अपने संगीत से सारे चूहों को एक शहर से बाहर ले गया और एक नदी में जाकर उसने स्वयं को भी डुबाया और उन चूहों को भी डुबाया। वो तो खैर तैर कर बाहर निकल गया। ना तो वो बैग पाइपर मैन है, ना वो हरक्यूलस है। हाँ, एक आपने और कैरेक्टर का नाम सुना होगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी के क्या बोलते हैं, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है अंग्रेजी साहित्य में, लिलीपुट के नाम से एक कैरेक्टर है, जो अपने बहुत ही बौना कैरेक्टर है, जो बहुत ही छोटा है, लेकिन वो गुलीवर्स ट्रेवल्स में एक कहानी का पात्र था। तो उस मुझे तो लगता है कभी कभी शायद वो लिलीपुट हैं, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा सोचते हैं कि मैं हरक्यूलस हूँ, लेकिन वो ऐसा प्रयास करते हैं या ऐसा प्रयास करने की कोशिश करते हैं या ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो हैं सो भगवान श्री कृष्ण के बराबर हैं। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति अगर हम देख लें तो देश अपने इस मुकाम पे है, इस हालत में है कि कोई भी सिंगल व्यक्ति, कोई भी एक एकल व्यक्ति, सिंगल इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अगर ये वो सक्रिय है, जीवित है और सक्रिय है भारत में, तो वो जिन समस्याओं से देश अभी गुजर रहा है, उन समस्याओं के निदान को प्रदान करने के लिए वो सक्षम नहीं है। ना उसमें क्षमता है, ना कैपेसिटी, ना पोटेंशियल है। और इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर कोई दो तीन देश हैं जो पीछे ले जा रहे हैं, तो वो एक भारत है, एक चाइना है, और कुछ अगर हम ध्यान दें तो शायद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। लेकिन चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर डिनोमिनेट, डॉलर जो है एक वर्ल्ड एक्लेम्ड एक्सेप्टेड करेंसी है, तो कहीं ना कहीं से उनको ये एक एडवांटेज होता है कि उन पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के दंश को अपने ऊपर लागू किया, एक मानव जनित निर्णय, मानव द्वारा मानव जनित दुर्घटना इसे हम कह सकते हैं, इसको अपने ऊपर स्वयं से इन्होंने दुर्घटना का कारण बना। और चाइना से पैदा हुआ कोरोना, ये भी एक तरीके का जैसा जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये भी एक तरह का मानव जनित दुर्घटना ही है, जिसे मानवता के ऊपर थोप दिया गया। इन 11 बिंदुओं पर चर्चा, 10 बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद यदि हम देखें तो 11वां पॉइंट भी अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी के बारे में ये कहा गया है, चाहे कहीं भी हो, चाहे इंडिया में हो, कहीं बाहर भी हो, विश्व में कहीं पे भी, जहाँ भी लोकतंत्र है, तो उसे कहा जाता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन शायद आज के समय में ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी, अप्रासंगिक है, क्योंकि आज केवल नाम के लिए ये रहता है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं, चुनाव के बाद उसी जनता का, उसी पीपल का, वी द पीपल का कोई रखवाला नहीं होता, कोई खैर पूछने वाला भी नहीं होता, कोई हालचाल लेने वाला भी नहीं होता, और 24/7/365 पीपल आर टेकन फॉर अ राइट, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड वट एवर डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड दिस इज टोटली अगेंस्ट देम, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। और लास्ट में एक अंतिम बात अगर मैं करूं, तो एनी गवर्नमेंट इन इंडिया विल बी सक्सेसफुल। आप ध्यान रखिए कि कोई भी सरकार, जब हम लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में है, तो लोकतंत्र में कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब वो यह कोशिश करे कि हम अपने निर्णयों से, अपने अधिनियमों से, अपने नियमों से, अपने लॉज एंड एक्ट से, रूल्स से, हम अपनी आम जन का, आम जनता का कर्म, कर्मा, महाभारत यदि आपने पढ़ा हो तो कर्मा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता का उपदेश दे दिया, जिसे भागवत गीता कहा जाता है। अर्जुन को जब, अर्जुन और कृष्ण की जब चर्चा हुई तो उसे भागवत गीता के नाम से बताया गया, और उनका कहना भी था कि कर्म करते रहना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र ध्येय है, परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो कर्मा को जब तक, जब आप अपने कर्म को ध्यान नहीं रखेंगे, कर्मा को और अच्छे कर्म का ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसे कर्म का ध्यान नहीं रखें जिससे कि हम न केवल अपना, अपने परिवार का, बल्कि अपने समाज, अपने अड़ोस पड़ोस का भी हम देखभाल कर सकें, तो उस कर्म को करने का कोई मतलब नहीं है। और किसी भी सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो ऐसे नियम कानून बनाए, ऐसे लॉज बनाए, ऐसे एक्ट बनाए, ऐसे रूल्स बनाए, जिससे कि पूरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कर्म को अपलिफ्ट किया जा सके, उसे नष्ट नहीं किया जा सके, उसे स्पॉइल नहीं किया जा सके, बल्कि उसे अपलिफ्ट किया जा सके। और साथ में एक चीज़ और मैं अगर आपको कहना चाहूँ, आपको तो पिछले 70 वर्षों में अगर आप देख लें तो इन्हीं कारण से, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से, चूंकि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र का कोर जो है वो पीपल है, लोग हैं, जनमानस है, और चूंकि हमने कोर को हमेशा इग्नोर किया और हमने लार्जर इंटरेस्ट को इग्नोर किया, तो इसीलिए पिछले 70 वर्षों में जो भी समस्याएँ रही हैं,
देश में वो तो चलती ही आ रही हैं, बल्कि और नई नई समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, और जिसकी वजह से देश जो है आज एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां से नई दिशा, नए आयाम, नई कहानी और नया रंग, नया तरंग पैदा करने की आवश्यकता है। और जब तक हम इन दो चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक इस देश को विकासोन्मुख बनाना, ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना हम सब के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा। और इसमें सबसे बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, एक तो कोर, कोर मीन्स होता है कि जो जिस जो काम हम करते हैं, हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो अस्तित्व है, उसका जो कोर है, वो कोर जिसे कहते हैं कोर ऑफ योर एग्जिस्टेंस एंड लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि हम अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी करें, वो गलत होगा, और उसमें न केवल हम बर्बाद ही होंगे देर सवेर, बल्कि हमारा समाज भी बर्बाद होगा, देश भी बर्बाद होगा, और हम विकास की बजाय, उन्नति की बजाय हम अवनति की ओर अग्रसर होंगे, ग्रोथ की बजाय डीग्रोथ होंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू। एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस चैनल को, मेरे इस चैनल को, आलोक कुमार इंडिया चैनल, यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे कहीं पे भी हम हैं, तो न केवल इसे आप लाइक करें, बल्कि सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह चैनल पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत